बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर क्लास हम लोगों ने सबक पढ़ा था, सबक नमाज। अब हम उसकी मश्क कर लेते हैं। आप लोग सफ़ा नंबर 18 निकाल लीजिए, पेज नंबर 18। सब बच्चे अपना पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। सबसे पहले जी आज की डेट डालेंगे आप लोग, दिन लिखेंगे। सवाल नंबर एक है हमारा, खाली जगह पूर कीजिए। नंबर एक है, इस्लाम की पहली और बुनियादी इबादत डैश है, इस्लाम की पहली और बुनियादी इबादत कौन सी है? हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, हमारी पहली और बुनियादी इबादत नमाज है, ठीक है। यहाँ सब बच्चे क्या लिखेंगे, नमाज। नंबर दो है जी, नमाज डैश की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। नमाज किसकी पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है? वक्त की पाबंदी के साथ, क्योंकि अगर हम वक्त पर नमाज नहीं पढ़ेंगे उससे क्या होगा, हमारी अगली नमाज का वक्त हो जाएगा, तो पहली नमाज हमारी जो है कज़ा हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को उसके वक्त पर अदा कर लिया जाए। नंबर तीन है, कुरान मजीद में नमाज के लिए डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नमाज के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नंबर चार है जी, नमाज इंसान को बुराई और डैश के कामों से रोकती है, बेहयाई के कामों से रोकती है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप बेहयाई। नंबर पाँच है जी, बाजमात नमाज से डैश पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा होता है, ठीक है। सब बच्चे यहाँ लिख लीजिए, इत्तफाक और इत्तेहाद। चलते हैं सवाल नंबर दो की तरफ। सवाल नंबर दो है हमारा, दुरुस्त और गलत फिक्रात की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक का निशान लगाइए, ठीक है। नंबर एक है, नमाज मोमिनों पर दिन और रात में 6 बार फ़र्ज़ की गई है। हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसको हमने गलत के ऊपर या तो आप सर्कल कर दीजिए या फिर उसके ऊपर छोटा सा टिक लगा लीजिए। नंबर टू है जी, नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है और इसका शुक्र अदा करता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है कि इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, उसकी दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है। ये हमारा क्या हुआ, दुरुस्त है। नंबर तीन है, कुरान मजीद में नमाज के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जबकि रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या हमारा हुआ, गलत है। तो इसको आप हम छोटा सा टिक लगा दें गलत के ऊपर या फिर उसको सर्कल कर लीजिए। नंबर फोर है जी, नमाज़ पढ़ने से इंसान पाक साफ़ रहता है। नमाज़ पढ़ने से इंसान क्या रहता है, पाक और साफ़ रहता है, ठीक है। इसके आप दुरुस्त के ऊपर आप लोग सर्कल कर लीजिए या फिर टिक लगा दीजिए। नंबर पाँच है जी, क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा। क़यामत के दिन जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो किसके बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, दुरुस्त है जी, इसको सर्कल कर लीजिए। अब चलते हैं इसके कॉपी वर्क की तरफ। अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि हम इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें। चलिए जी, सब बच्चे जो है सबसे पहले आज की डेट डालेंगे, जमात का काम लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, जमात का काम लिखेंगे, सबक का नाम लिखेंगे। आज हम इसकी क्या करेंगे, सबक नमाज की मश्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी सवाल नंबर एक है, सब बच्चों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ करके नीट राइटिंग में लिखना है। सवाल नंबर एक है हमारा, दीन इस्लाम में नमाज की बड़ी अहमियत क्यों है? दीन इस्लाम में नमाज की बड़ी अहमियत क्यों है? जवाब, क्योंकि नमाज इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है, ठीक है। नमाज क्या है, इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। चलिए जी चलते हैं सवाल नंबर दो की तरफ। नमाज के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, नमाज के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जवाब है जी, अल्लाह का इरशाद है, तर्जमा, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई है। क्या है तर्जमा, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई है। यहाँ तक सब बच्चे इसका जवाब कंप्लीट कर लें। चलते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ।
सवाल नंबर तीन है जी, नमाज से क्या मुराद है? नमाज से क्या मुराद है? जवाब है इसका, कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने दुआ और रहमत के हैं। जिसके मायने क्या हैं? दुआ और रहमत के हैं। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर चार की तरफ। सवाल नंबर चार है हमारा, नमाज हमें किन बातों से रोकती है? नमाज हमें किन बातों से रोकती है? जवाब, नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ठीक है, नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। चलते हैं सवाल नंबर पाँच की तरफ। सवाल नंबर पाँच है जी, नमाज के पाँच फ़ायदे लिखिए। नमाज के पाँच फ़ायदे आपने लिखने हैं। जवाब है इसका, नंबर वन, नमाज पढ़ने वाला इंसान साफ़ और पाक रहता है। नंबर टू, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नंबर तीन, नमाज से दिल को सुकून मिलता है। नंबर चार, नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत होती है। नंबर पाँच, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका सवाल नंबर पाँच कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं इसकी डायरी की तरफ। सब बच्चे इसकी डायरी भी नोट कर लीजिए। इस्लामियत लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। मैं आपको ये दोबारा लिखने के लिए नहीं देती, क्योंकि इस तरह आप पे बर्डन पड़ जाएगा और आप नीट राइटिंग में नहीं काम करेंगे। इसलिए जो क्लास वर्क है उसी को नीट राइटिंग में कर लीजिए, और बाद में इसको क्या करें जी, इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसका जो बुक वर्क है उसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।